स्वागत है कैसे हो क्या हाल चाल सब बढ़िया जो भी नया पॉडकास्ट सीरीज चलती है यहाँ पे बात की जाती है ऑल अबाउट मनी हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम और बड़ा पैसा कैसे कमाना है लेकिन एक चीज है बड़ा पैसा दोस्तों कमाने के लिए पहले आपके पास ऑलरेडी को एक पर्सन ने बड़ा पैसा कमाया है यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है यदि आपके पास उनका नॉलेज है देन यू कैन रियली रियली अचीव योर ड्रीम टारगेट आपका कोई टारगेट होगा माइंड में इतना पैसा कमाना इतना करोड़ कमाना ये कार कर, अचीव करनी वो कार अचीव करनी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज़ में से एक चीज़ मानी जाती है पैसा कमाना खास करके बड़ा पैसा कमाना लोग लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं आपने भी दोस्तों आस देखा होगा लेकिन यहाँ पर पे पैसा नहीं कमा पाते पैसा कमाने के लिए सिर्फ यदि हार्डवर्क चाहिए होता हर कोई हार्डवर्क कर रहा है हार्डवर्क से दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं बनता है पैसा बनता है स्मार्ट वर्क से स्मार्ट वर्क भी दोस्तों आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास यहाँ पर नॉलेज होगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी बस ये पॉडकास्ट का यही काम है यहाँ पे हम दुनिया भर की बड़ा पैसा कमाने वाले पर्सन की केस कैस्टडिया लेके आते हैं और ऐसे पर्सन जिसके पास कोई इतना तगड़ा बैकग्राउंड नहीं होता कोई एजुकेशन नहीं होती कोई इतनी स्किल नहीं होती फिर भी वे अपनी स्मार्टनेस का यूज करके पैसा कमा लेते ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करते सिर्फ घर पर बैठ के लैपटॉप से भी बड़ा पैसा कैसे लोग बना लेते यह दोस्तों माइंड बिल्ड करने वाला पॉडकास्ट है नए व्यूअर है नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा आपके लिए दोस्तों ये पहला एपिसोड हो सकता है पुराने व्यूअर को पता है कि पॉडकास्ट सीरीज से कितना नॉलेज मिलता है लेकिन यदि आप नए व्यूअर है आपके लिए दोस्तों ये एक सीरीज लाइफ चेंजिंग हो सकती है चलिए एपिसोड शुरू करते हैं यहाँ पे तगड़ा टॉपिक है दोस्तों पहला ही टॉपिक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक पूरी एनर्जी ड्रिंक थम्स अप कोको कोला को फेंटा ये वो बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक आती है एनर्जी ड्रिंक को दोस्तों डिस्क्रप्ट करने वाली एक प्रोडक्ट आ चुकी है जो कि एनर्जी ड्रिंक को जो मार्केट है मोर देन हंड्रेड बिलियन डॉलर की मार्केट है एक प्रोडक्ट दोस्तों डिस्क्रब कर सकती है चलिए मैं आपको यहां पे कॉन्टेक्ट देता हूं बेसिक बताता हूं पहले एक रिसर्च की गई एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिसर्च किया एनर्जी ड्रिंक के बारे में और रिसर्च करने के बाद एक पता चली एक बात पता चली कि जितने भी जितने भी एनर्जी ड्रिंक है मोर देन थाउजेंड प्लस एनर्जी ड्रिंक है सभी एनर्जी ड्रिंक में यदि देखा जाए एज अ केमिकल फॉर्म्यूला तीन ही इंग्रेडिएंट होते हैं पहला होता है वाटर वोटर अराउंड वाटर होता है कोई भी एनर्जी ड्रिंक में बाद में आता है शुगर और थर्ड आती है फ्लेवर सिर्फ फ्लेवर से यहाँ पे और मार्केटिंग से थाउजेंड प्लस टाइप की यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक की ब्रांड चल रही है और अरबों रुपीज कमा रही है सिंपल ये रिसर्च यहाँ पे मिलता है एक अमेरिकन बिजनेस टाइकून जो कि बिलियनर है नाम है यहाँ पे डेविड फ्राइडबर्ग डेविड फ्राइडबर्ग को यहाँ पे यह रिसर्च मिलता है डेविड फ्राइडबर्ग इस पर काम करना शुरू करता है इस आइडिया पर रिसर्च के बाद उनका देखिए विलियनर है कोई भी रिसर्च से यहाँ पे कैसे बिजनेस बनाना वे जानते है जानते हैं उन्होंने अपनी एक आर डी टीम बिठाई एक रिसर्च टीम बिठाई दोस्तों और एक ऐसा डिवाइस रेडी किया जो कि 2023 में यहाँ पे यूज़ के लिए यहाँ पे आने वाला है और डिवाइस का नाम है केना करके डिवाइस है सी एन ए आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम ये दोस्तों लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं सभी यूजर के लिए यदि ये, ये सक्सेसफुल हो जाता है आइडिया और ये मार्केट को डिस्क्रब कर देगा एनर्जी ड्रिंक की मार्केट को डिस्क्रब कर देगा कैसे एक डिवाइस दोस्तों रेडी हो चुका है ये डिवाइस में है क्या एक ही डिवाइस से आप आपके मन पसंद की जितनी चाहे उतनी जितनी चाहे उतनी टाइप की एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो आप खुद की भी पर्सनलाइज एनर्जी ड्रिंक क्रिएट कर सकते हो आप आपके नाम की एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो और आप किसी पर्सन को आपकी खुद की एनर्जी ड्रिंक का फॉर्मूला डिजिटल ट्रांसफर कर सकते हो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा ना अभी ये जो चीज़ वे आपको शोक कर देगी मान के चलिए मैं

लेकिन अब इस डिवाइस के आने के बाद ये पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है डिजिटल एनर्जी ड्रिंक वाली दुनिया दोस्तों आ चुकी है आ चुकी है कैसे जैसे कि रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि 97 सेवन परसेंट होटल होता है और इस मशीन के थ्रू आप आपकी पर्सनलाइज एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो मुझे अपनी पर्सनलाइज एनर्जी ड्रिंक बनानी है सावन साउंड बिजनेस पॉडकास्ट करके मेरी एनर्जी ड्रिंक का मैंने नाम रख दिया अब मैं चाहूंगा कि मैं 97 सेवन परसेंट होटल एड करूंगा थ्री सेंट यहां पे मैं शुगर एड करूंगा और फ्लेवर में मैं टेन परसेंट ब्लैकबेरी फ्लेवर एड करूंगा और सेवेंटी परसेंट मैं ऑरेंज फ्लेवर एड करूंगा और बन गई मेरी एनर्जी ड्रिंक पर्सनलाइज ब्रांडिंग वाली एनर्जी ड्रिंक मेरा यूट्यूब पे वन लाख सब्सक्राइबर है दोस्तों ध्यान से समझिए अब मुझे अपनी एनर्जी ड्रिंक आप लोगों तक तो पहुंचानी है कैसे पहुंचाऊंगा दो ऑप्शन हो सकते हैं या तो मुझे पूरी सप्लाई चेन के थ्रू जाना पड़ेगा और आप एनर्जी ड्रिंक ऑनलाइन ऑर्डर करोगे और आपके पास आएगी या फिर स्टोर से मिलेगी लेकिन नहीं दोस्तों ये डिवाइस के आने के बाद अब आपको जब आप डिवाइस परचेस करोगे आपको डिवाइस में सिर्फ लिखना है सावन बिजनेस या फिर मैं अपना कोड दे दूंगा कोड है पैटर्न पे पे बनाई थी आपके मशीन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपको वही टेस्ट की एनर्जी ड्रिंक मिलेगी जो मैं यहां पर वीडियो में पी रहा हूं आप आपकी खुद की पर्सनलाइज्ड एनर्जी ड्रिंक बनाओगे बाद में आप लोगों के साथ शेयर करोगे और हर एक पर्सन के घर पे फ्यूचर में ये एनर्जी ड्रिंक वाली केना मशीन आ जाएगी और लोग अपनी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे उनकी रेसिपी शेयर करेंगे और डिजिटल सेल भी करेंगे क्रिएटर कैसे पैसे कमाएगी ये समझते क्रिएटर बड़े बड़े क्रिएटर के साथ ये एनर्जी ड्रिंक वाली मशीन केना कंपनी क्यों टाइप कर रही है क्योंकि मेरे वन लाख सब्सक्राइबर है मेरे बहुत सारे फैन हो गए मैं जो एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ जो एनर्जी ड्रिंक पी ड्रिंक पी के यहाँ पे एक एक दो दो घंटे के पॉडकास्ट यदि कर रहा हूँ मेरे फैन तो बाई करना चाहेंगे इसीलिए मैं वे मेरा ड्रिंक नहीं बाई कर सकते लेकिन मेरा ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए इनडायरेक्टली वे केना मशीन को बाई करेंगे और केना मशीन को बाई करने के बाद यहाँ पे मेरा कोड डालेंगे और उनके सामने ड्रिंक आ जाएगी ये दोस्तों इतना सिंपल है जितना आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हो वैसे ही आने वाले टाइम पे आप आपकी खुद की एनर्जी ड्रिंक की यहाँ पे फॉर्म्यूला पैटर्न किसी को सेंड करोगे और वे यहाँ पे आपकी पर्सनलाइज कस्टमाइज एनर्जी ड्रिंक पिएगा क्योंकि एनर्जी ड्रिंक में जैसे कि पहले बात की गई नाइन्टी नाइन पे एज अ केमिकल स्ट्रक्चर सिर्फ सब कुछ सेम होता है वॉटर शुगर और यहाँ पे फ्लेवर इसीलिए आपकी खुद की पर्सनलाइज ड्रिंक बना सकते हो प्राइस क्या है चलिए मैं प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ नाइन्टी नाइन डॉलर से शुरू होता है सिर्फ रिजर्वेशन फी है पहले टेन थाउजेंड ऑर्डर पे यहाँ पे फोर नाइन्टी नाइन प्राइस रखी गई है और बाद में आफ्टर टेन थाउजेंड यदि ऑर्डर हो चुके हैं अराउंड अभी ऑर्डर हो चुके हैं दोस्तों टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी एट नाइन्टी नाइन डॉलर अराउंड इंडियन करेंसी में बात करें फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ में आपके घर पर मशीन आ जाएगी और आप यहाँ पे अपनी खुद की पर्सनलाइज एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो जितनी चाहे इतनी एनर्जी ड्रिंक बना सकते हो ये है दोस्तों लाइफ चेंजिंग आइडिया सोचिए कि यह जब चीज़ होगी हर एक यूट्यूबर हर एक क्रिएटर के पास और एक पैसा कमाने का भी मौका मिल जाएगा क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक का जो ये मशीन है कहना वे इन्फ्लुएंसर के साथ टाइप करेगी और इन्फ्लुएंसर को वन टाइम आउट देंगे कि आप आपकी खुद की पर्सनलाइज एनर्जी ड्रिंक का फॉर्मूला

ब्रांडिंग करके कर 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 के कर, करके कर, कर, लेकिन एक बात ये कंपनी समझ गई है कैना कि लोगों को ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना यदि इस मशीन के थ्रू आपको कोको कोला वाली फ्लेवर मिलेगी आपको यदि थम्सअप वाली टेस्ट मिलेगी और आपको एक ड्रिंक का प्राइस लगेगा टू रुपीज़ थ्री रुपीज़ फाइव रुपीज़ जब ये दस साल बाद यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा बाद में आप थम्सअप नहीं दोस्तों बाई करोगे आपको कोई ब्रांडिंग इंडिया में तो वैसे भी परवा नहीं है यदि आपको थम्सअप का सेम टेस्ट मिल रहा है और आपके घर के मशीन के के थ्रू दोस्तों आपको यह कहना मशीन के थ्रू मिल रहा है फिर आप यहाँ पे मशीन बाई करना प्रिफर करोगे ये दोस्तों कुछ डिस्क्रब करने वाली बात है ये दोस्तों नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है प्रोजेक्ट पे काम करना इतना इजी नहीं है अमेरिकन बिजनेस टाइकून है दोस्तों डेविड तभी इस प्रोजेक्ट पे बहुत सालों से काम करे और इस प्रोजेक्ट को कॉमर्शियली लॉन्च भी कर चुके हैं 2023 थाउजेंड लोगों के घर पे आना शुरू हो जाएगा और एक तरीके से इसे प्रमोट करेंगे एक बड़ी मशीन भी बनाएगी जब भी एक कॉमर्शियल शॉप में भी यूज हो इन शॉर्ट एनर्जी ड्रिंक वाली मार्केट में तगड़ी कंपटीशन आने वाली है ये नॉलेज दोस्तों आपके साथ कोई शेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डेफ ये डेप्थ रिसर्च वाली बात है चलिए टाइम आ चुका है हमारे अग्रीमेंट का अग्रीमेंट में दोस्तों कुछ ऐसा है कि आपको हमें पैसा पे करना पड़ेगा आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो रिसर्च र... हम जो रिसर्च करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं हिंदी में दोस्तों आसान भाषा में शेयर करते हैं आपको पे करना है मुझे पैसा आपको पे कैसे करना है आपको लाइक बटन के थ्रू पैसा पे करना है एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों आज तक इस पॉडकास्ट एपिसोड पे अराउंड 11-12 एपिसोड आए कभी भी 100 लाइक्स नहीं आए मुझे पता है कि एवरेज व्यूज जाते हैं 500 500 लोग है दोस्तों मुझे पता है कि वैल्यूएबल नॉलेज कम लोग ही लेते हैं फरार ओनली है टू सीट बस एज फोर्टी सीट डायलॉग हम सभी को पता है लेकिन फाइव में से यदि आप हंड्रेड ऐसे हो जो कि रेगुलर देखते हो वीडियो और आपको लगता है कि ये बंदा सही में वैल्यू दे रहा है कुछ ऐसा हटके दे रहा है जो कि पूरी की कम्युनिटी में कोई नहीं दे रहा है बाद में आपको मुझे पैसे पे करना है इन टर्म्स ऑफ लाइक टारगेट दोस्तों पहली बार रख रहा हूं हंड्रेड लाइक क्या हंड्रेड लाइक हो हंड्रेड लाइक हो सकते हैं पॉडकास्ट पे या नहीं हो सकते यदि हो गए वादा कर रहा हूं दोस्तों अगला एपिसोड इनसे भी तगड़ा लेवल वाला आएगा लेवल वाला मीन आपको रियली शोकिंग में डाल देगा कि हम जैसे सोचते हैं पैसा कमाया जा सकता है वैसा कुछ है नहीं दुनिया अलग हिसाब से ही चल रही है बड़ा पैसा कमाने का फॉर्मूला ही अलग है ये दोस्तों मैं आपसे वादा कर रहा हूँ हंड्रेड लाइक चाहिए ये रह गया हमारा अग्रीमेंट चलिए हम बात करते हैं अब एक ट्रेडमार्क स्कैम के बारे में ट्रेडमार्क स्कैम ये होता क्या है अमेरिका में दोस्तों स्कैम अच्छे खास चलते हैं आपको भी पता होगा कि हर एक बिजनेस का नाम होता है जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सावन बिजनेस अब यदि मेरा बिजनेस है मेरा ई कॉमर्स है मेरा ऑनलाइन स्टोर है फिर मुझे यहाँ पे अपने नाम का ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा मैं किसी और का नाम वैसे यूज नहीं कर सकता जैसे कि कोको -को कोला का नाम मैं वैसे यूज नहीं कर सकता यदि मुझे अपनी एनर्जी ड्रिंक की कंपनी ओपन करनी है क्योंकि कोको -को -को कोला नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो चुका है वैसे हर एक कंपनी हर एक बिजनेस छोटा मोटा अपना ट्रेडमार्क नाम का करा ही लेता है और कराना जरूरी है मैंडेटरी है यहाँ पर दोस्तों एक स्कैम निकल गया है ट्रेडमार्क दोस्तों पब्लिक होता है आप ट्रेडमार्क वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हो कि आप जो भी नाम चाहते हो ये नाम का ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं है ये सारा डेटा पब्लिक होता है यहां पे दोस्तों एक स्कैम करने वाली टीम आई है क्या स्कैम करती है मैं आपको समझा रहा हूं जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं मेरी यहाँ पे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है और मेरा ई कॉमर्स का नाम है स्टार ई कॉमर्स ठीक है नाम है स्टार ई कॉमर्स मैंने अपना ट्रेडमार्क करा लिया है पब्लिक में डेटा अवेलेबल होता है दोस्तों ये स्कैमर को कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए कि स्टार ई कॉमर्स इस बंदे का यहाँ पे ई कॉमर्स का स्टोर है ऑनलाइन वेबसाइट है और इसका हाउस यहाँ पे क्या करते हैं मेल एड्रेस सेंड करते हैं मुझे यहाँ पे एक फिजिकल मेल सेंड किया जाता है कागज में और भी पे कुछ ऐसा ही लिखते हैं कि टाइम आ चुका है कि आपको आपका ट्रेडमार्क रिन्यू कराना पड़ेगा कुछ ऐसे करते हैं और अदरवाइज ऐसा कहते हैं कि आपको आपका ट्रेडमार्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टर्म लेके आता है लगता है ऐसे कि ऑफिशियल गवर्नमेंट की ओर से है कि आपको आपका ट्रेडमार्क रिन्यू कराना पड़ेगा आपको आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा आपने आपकी ट्रेडमार्क की फीस पे नहीं की है बाद में एक स्कैनर 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 दे देते और और कहते हैं कि है के थ्रू पे कर दीजिए डॉलर अमेरिका में स्कैम अभी भी चल रहा है जो भी समझदार पर्सन होगा वे यहाँ पे कह सकते हैं कि बच जाएगा स्कैम से या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करेगा लेकिन देखिए यहाँ पे स्कैम तगड़ा क्यों है और ये ग्रेट स्कैम क्यों है क्योंकि जो भी बंदे यहाँ पे पर डे मान के चलिए मैं एक लाख वन लाख डॉलर का सेल लेके आता है ई कॉमर्स में बहुत सारे पर्सन ई कॉमर्स में लेके आते हैं एक एक लाख डॉलर का सेल लेकर आता है। उनके पास ऐसी नोटिस आई टाइम तो होता नहीं है देखा क्या है ट्रेडमार्क होगा कुछ गवर्नमेंट का रिन्यूअल हमें पता है कि हम इतना ज्यादा डेफ्ट में कोई माइंड लगाता नहीं है स्कैनर है पीछे मोबाइल से स्कैन किया वन डॉलर दे दिया लगता है कि कराना पड़ता होगा रिन्यू कराना होगा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से दोस्तों वे यहाँ पे स्केम के शिकार हो जाते हैं और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ही दोस्तों ऐसी चीज है कि यहाँ पे स्केमर अपने स्केम को अंजाम देते हैं ऐसा स्कैम बना देते क्योंकि एक्चुअली में ट्रेडमार्क में कोई रिन्यू देना ही नहीं होता है एक बार आपने ट्रेड करा लिया बाद में आपको कोई पैसा नहीं देना होता रिन्यू के नाम पे और यहाँ पे लेट फीस के नाम पे कुछ भी नाम करके ट्रेडमार्क रिलेटेड ऐसे स्कैम किए जाते जातेमर तक तो बड़ा पैसा कमाते बच के रहेगा दोस्तों स्केम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया चलिए आपके साथ में यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात करूंगा वेबसाइट है चेक कीजिए हाँ वेबसाइट कह सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देगा हाउ इज फ्लिक्स हाउ इज फ्लिक्स ऐसा ही कुछ नाम है बंदा दोस्तों यहाँ पे पिछले आठ सालों से पिछले आठ सालों से अपनी हर एक छोटी मोटी चीज को और अपनी छोटी मोटी मोमेंटम को यहाँ पे वेबसाइट पर ट्रैक करता है लिखता है और यहाँ पे पब्लिश करता है जैसे कि अभी मेरा मूड है हैप्पीनेस वाला अभी मेरा मूड है सेडनेस वाला मैं लिखूंगा वेबसाइट पर मूड हैप्पी और जिम फिफ्टी फोर परसेंट यहाँ पे एक्सरसाइज थर्टी थ्री परसेंट वर्क फाइव परसेंट प्रोकास्टिनेशन ये वो सब कुछ अपना जितना दोस्तों छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डेटा ये बंदा ट्रैक कर रहा है एक दो दिन से नहीं दोस्तों पिछले आठ सालों से ऐसी भी पर्सन होते हैं दुनिया में मैं आपको अभी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में भी आप देखिए आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा बंदे ने हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़ी चीज पिछले आठ सालों से ट्रेक किए आठ सालों आज भी करता रहता है और अपना लाइव लोकेशन भी वेबसाइट पर शेयर करता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ अमेजिंग बात है दोस्तों इस बंदे के बारे में लोग ऐसे नर्ड होते हैं दुनिया में अजीबो गरीब तरह के इंसान होते हैं क्यों करता है आठ सालों से क्यों करता आ रहा है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 99% जो हम चीज करते हैं मोबाइल पे स्क्रॉल किए जाते हैं कुछ भी देखते रहते हैं क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, नहीं है है टाइम टाइम की वैल्यू ये बंदा अपने को ब्लॉक करना चाहता है और इसीलिए बड़ी बड़ी में, 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 यह में काम करने के लिए ये बात आपको चौंकाएगी 2015 से दोस्तों इस बंदे के पास कोई हाउस नहीं है कैसे जीता है क्या होगा इस पर्सन के पास पता है इस पर्सन के पास दोस्तों सिर्फ एक चीज है एक सूटकेस बैग है और एक लैपटॉप है सूटकेस बैग और लैपटॉप ही सिर्फ ऑन करता है और कुछ नहीं है नो रेंट नथिंग रहता कहाँ पे पिछले आठ साल से दोस्तों जब से ट्विटर पे वर्क कर रहा है ट्विटर पे जॉब कर रहा है सॉफ्टवेयर वाला वाले दोस्तों एयरबीएनबी में रहता है लॉन्ग टर्म एयरबीएनबी रेंटल कराता है किसी और किसी एक एयर में दो महीना रहा तीन महीना रहा बाद में चला गया किसी और स्टेट में किसी और सिटी में वहाँ पे एयर लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पे ले ली और ऐसे रहता है दोस्तों आठ साल से सिर्फ एक सूटकेस बैग पे रहता है कभी दूसरी कंट्री जाता है तो तब कपड़े भी नहीं लेके जाता वहाँ पर कपड़े बाई कर लेता है और बाद में कपड़े डोनेट कर देता है जब कभी भी नॉन सेंस कपड़ा जो कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन होती है फ्लाइट में जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे कभी कभी होता है कि स्टोरेज लिमिटेशन होती है अदरवाइज आपको ज्यादा स्टोर लेके जाना है फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा ये बंदा दोस्तों कपड़े होते हैं कपड़े के पे भी नहीं करता पैसे सिर्फ जो भी पेड़ पहनी होती है वही पेड़ सूट के इसमें लैपटॉप पासवोर्ड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट डोक्यू, बस ये चीज वेबसाइट पे चीजें ट्रैक करना और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करना खत्म बात बस इतनी चीजें ऐसे भी दोस्तों दुनिया में लोग रहते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चलिए मैं आपको एक अमेरिका की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बात करता हूँ डब्ल्यू 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 डॉट वन ट्रस्ट डॉट कॉम करके $5 की है दोस्तों, इस की और अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी है क्यों मैं बात करो ये कंपनी दोस्तों कुछ काम करती है बिजनेस इसके जी डी पी आर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को मैनेज करने का काम करती है ये बिजनेस दोस्तों आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग है मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन इस बिजनेस के बारे में एक्चुअली में मुझे कुछ पता ही नहीं चला डेप्थ में कि एक्चुअली में बिजनेस करता क्या है जैसे कि बिस्लरी वाले पानी बेचते हैं तो मुझे पता है कि पानी बेचते हैं पैसा कमा है। बिजनेस दोस्तों सॉफ्टवेयर है जीडीपीआर कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं गवर्नमेंट और बिजनेस का टाइप का काम होता है उनका रेगुलेशन वाला काम है नेक्स्ट टू इम्पोसिबल कह सकते हैं नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड जो कि एक नॉर्मल पर्सन समझ नहीं सकता तब तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी और 5 बिलियन डॉलर की वाली बनी आप ट्राई कीजिए अपना दिमाग लगे की क्या है इस कंपनी में की 5 बिलियन डॉलर है अब दोस्तों मैं आपको यहां हटके बात करता हूँ स्ट्रीमर के बारे में स्ट्रीमर एक न्यू क्रेज गेमिंग स्ट्रीमिंग के थ्रू आपने सुना होगा कि लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे एक एक करोड़ की स्पोर्ट कार्रवाई कर रहे और और डेवलप्ड कंट्री के स्टीमर को आपको बताया कि अराउंड फाइव मिलियन डॉलर टेन मिलियन डॉलर सालाना अर्निंग कर लेते हैं बहुत सारे इनकम सोर्सेज है के लिए लेकिन आपको दोस्तों एक बात पता नहीं होगी दिखने में जो चीजें जितनी सिंपल और इजी लगती है उतनी होती नहीं है जैसे कि मैं आपके सामने दोस्तों अब ये बात कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ अनकट एपिसोड शूट कर रहा हूँ आपने देखा होगी मैं बीच में कितनी बार पानी पी रहा हूँ क्योंकि तो ये दोस्तों मेरे पूरे डे का यहाँ पे हाइएस्ट परफॉर्मिंग यहाँ पे काम है एज अ फीज एज अ बॉडी मेरी बॉडी को मेरे माइंड को दोस्तों अभी अपनी पीक एनर्जी रिलीज़ करनी होती है क्योंकि कैमरा में फेस कर रहा हूँ मुझे कैमरे के सामने देखना होता है मैं मैं यहाँ पे अपने माइंड को एक्टिव कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता और जो भी मैंने डेटा जो मेरे माइंड ने यहाँ पर डेटा इनपुट में डाला है जो भी मैंने रिसर्च किया है जो भी मैंने नॉलेज दिया है मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों हाइस्ट पीक वाली एनर्जी है मुझे इसीलिए पानी पीना पड़ता है मैंने आपके सामने बॉटल खा खाली कर दी है ऐसे दोस्तों स्ट्रीमर यहाँ पे बनना इतना इजी नहीं है दिखने में इजी लगता है लगता है कि सिर्फ गेम खेल के पैसा कमा रहे हैं अपनी दोस्तों बॉडी का फिजिकल यदि हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोई भी पर्सन इस वर्ल्ड में काम करते हैं तो होते हैं स्ट्रीमर सात से आठ घंटे सेवन टू एट ऑवर बैठे रहना भी दोस्तों एक बड़ी बात होती है चेयर पे बैठे रहना और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहना बोलना रिएक्शन देना अपनी एनर्जी को बरकरार रखना तभी व्यूअर टिक पाएंगे पाँच घंटे से पाँच घंटे से ज़्यादा दोस्तों ये काम करना देखिए मैं एक घंटे का पॉडकास्ट भी करता हूँ मेरी टंग स्लीप होने लगती है स्टीमर दोस्तों सात सात आठ आठ घंटे सालों से ये चीज़ करते हैं अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस देते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉडी तब जाके इतना पैसा कमाते हैं तो कोई भी चीज़ ईजी नहीं है तो आपको लगता है कि कोई पर्सन यदि कोई पैसा कमा रहा है सिर्फ गेम खेल के क्या है कुछ नहीं है गेम खेलता है बैठ इतना पैसा नहीं दोस्तों एनर्जी लगती है पेशेंस टाइम और हार्डवर्क स्मार्टनेस जब सब कुछ कॉम्बिनेशन में आता है तब तो जाके यहाँ पे रिजल्ट मिलता है रिजल्ट भी तगड़ा मिलता है स्ट्रीमर जो टॉप कैटेगरी के स्ट्रीमर है दोस्तों ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी कमाता है ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी क्यों क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं है मैं आपको ट्विच के स्ट्रीमर कुछ बता रहा हूँ ट्विच के बहुत सारे स्ट्रीमर है ट्विच एप्लीकेशन पे जो कि इंडियन में बात करूं सालाना थर्टी सी आर फोर्टी सी आर का यहाँ पे लिक्विड अर्निंग करते हैं सालाना थर्टी फोर्टी सी आर लिक्विड अर्निंग कैसे कोई एक स्ट्रीमर है मिलियन फॉलोवर है अब यदि वे स्ट्रीमर कोई एक गेम खेलेगा उन्हें पता है कि कि यदि मैं कोई एक गेम खेलूंगा कोई नई गेम खेलूंगा मेरे जितने भी फॉलोवर हो गए वे कहीं ना कहीं मैं गेम डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे फैन तो करने ही वाले जितने भी गेम कंपनीज है जिनका बजट बिलियंस ऑफ डॉलर का होता है अब यदि उन्हें अपनी गेम को मार्केट करना है नई गेम को लॉन्च करना करनी है क्या करना है पड़ेगा स्ट्रीमर के पास जाना ही पड़ेगा इसलिए दोस्तों स्ट्रीमर मुंह मांगा पैसा चार्ज करते हैं कि मैं आपकी गेम खेलूंगा एक घंटे के लिए मुझे चाहिए यहां पे एक लाख डॉलर और मैं सिर्फ दस दिन के लिए खेलूंगा देना भी पड़ता है दोस्तों क्योंकि एक लाख डॉलर हम के लिए हमारे लिए बड़ी बात होगी नॉर्मल पर्सन के लिए बड़ी बात होगी लेकिन स्ट्रीमर ने दोस्तों वे लेवल कब अचीव किया सालों तक हार्डवर्क किया सालों तक अपनी बॉडी का हाइएस्ट एनर्जिंग परफॉर्मेंस दिया कह सकते हैं और एक लाख डॉलर यहां पे एक गेमिंग कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि एक लाख डॉलर दे यदि गेमिंग कंपनी को एक लाख डाउनलोड मिल रहे वे दोस्तों एक लाख डॉलर यू ही फाइव टू सिक्स डेज में रिकवर कर लेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग ये दोस्तों हर एक चीज में जब विन विन सिचुएशन आती है तब पैसा बनता है स्ट्रीमर के दोस्तों इसीलिए अर्निंग के सोर्स बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं क्योंकि एट द एंड जो बड़े लेवल पे चीज होती है गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी और गेम की मार्केट बड़ी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं स्ट्रीमर और बड़ी मार्केट के सबसे की इंग्रेडिएंट यदि कोई है गेमिंग की मार्केट हंड्रेड बिलियन डॉलर प्लस की मार्केट है और यदि इस मार्केट में कोई की इंग्रेडिएंट है यानी कि कोई डिसीजन मेकर है मार्केटर होते हैं दोस्तों स्ट्रीमर के पास ऑलरेडी लॉयल फैन है उनके पास दम है उनके पास ताकत है उनके पास एनर्जी है उनके पास यहाँ पे इन्फ्लुएंस है कि वे बाई नाइट यहाँ पे किसी भी नई गेम को लेक्स ऑफ डाउनलोड तक पहुंचा सकते हैं ये दोस्तों मैंने कुछ हटके बात कर दी ये समझनी पड़ेगी डेप इनसाइड वाली बात समझनी पड़ेगी अपने बॉडी का हाइएस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद यदि कोई पर्सन थर्टी सी आर फोर्टी सी आर कमा रहा है इट्स एन ग्रेट इनपुट एंड ग्रेट आउटपुट चलिए मैं आपको एक बैटिंग वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ मेरे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है लेकिन देखिए यू कैन ऑल्सो मेक मनी बाय समथिंग डिफरेंट यू कैन ऑल्सो मेक मनी बाय समथिंग डिफरेंट डूइंग समथिंग डिफरेंट अब ये बोलने वाले लोग तो बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली में कैसे पोली मार्केट डॉट कॉम करके चेक कीजिए वेबसाइट ये एक बेटिंग वेबसाइट है क्रिप्टो बेस्ड बेटिंग वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे बेट लगाते लोग जैसे कि अवतार मूवी आई अवतार मूवी क्या वन बिलियन का यहाँ पे जनरेट कर पाएगी रेवेन्यू या नहीं कर पाएगी यदि 90% बोल रहे कर पाएगी तो आपको 90% परसेंट पे लगा देना है 10% परसेंट बोल रहे नहीं कर पाएगी तो आपके ऊपर रहेगा जैसे कि नए यूएसए के प्रेसिडेंट क्या डोनाल्ड ट्रंप बनेगे या नहीं बनेगे वोट लगता है ईश्वर और ईश्वर दो कैटेगरी यहां पे आप और बी सिंपल पैसा लगाना है आधर ए और भी, भी क्रिप्टो के फॉर्म में आपको पैसा लगाना है लेकिन यहां पे पैसा कमाने वाली बात क्या है देखिए ये जो बिजनेस बनाने वाला पर्सन है वे तो नर्ड नर्ड मीन्स दोस्तों यहाँ पे हटके करना नर्ड का मीनिंग ये होता है 0.1 पॉइंट वन कैटेगरी वाले पर्सन जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ज्यादातर लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें वे पॉसिबल बना देते हैं तब उन्हें नर्ड कहा जाता है तो ये जो उनके फाउंडर होते वे तो नर्ड ही होते लेकिन यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्मार्ट पर्सन होते जो पैसा कमा लेते हैं कैसे कमाते मैं बताता हूँ जैसे कि हमें पता चल जाता है जैसे कि मैं इंडिया में बात करूँ कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा आपको भी पता है इंडा कौन बनेगा लेकिन फिर भी दो पोल लगेगा ए और बी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एग्जाम्पल कर रहे ठीक है अब ज़्यादातर वोट मान के चलिए एट्टी परसेंट वोट पड़ गए कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने गए ट्वेंटी परसेंट पड़ेगा कि राहुल गांधी पड़े राहुल गांधी जी बने गए यहाँ पे पैसे का कैसे इंटरेस्ट कैसे मिलता है एटीन ट्वेंटी में यदि आपने मोदी जी की ओर लगाया आपको भी पता है कि अब ये बेट नहीं रह चुकी आपको भी पता है कि हंड्रेड परसेंट लोगों ने यहाँ पे यदि वोट दिया है यदि प्रेडिक्शन लगाए तो सही रहेगा अब यदि आप एटी परसेंट में पैसा डालोगे बाद में जब आपका प्रेडिक्शन विन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट वाले पर्सन ने जो पैसा लगाया है वही डिवाइड होकर आपको मिलेगा यानी कि कम रिस्क कम रिवॉर्ड लेकिन श्योर वाला भी रिवॉर्ड मिलता है कि आपको जब कोई एक बेट पर नाइन्टी लोग एक ही पोल पर बात कर रहे हैं टेन लोग किसी और पर बात कर रहे हैं नाइन्टी वाले जीते तो आपको कम रिवॉर्ड मिलेगा 10% का रिवार्ड यानी कि 10% का आपको आपके पैसे जितने लगे उन पे पैसा मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे यदि आप टेन परसेंट पे बेट लगाते हो जैसे कि मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी टेन परसेंट यदि राहुल गांधी जी है यदि आप राहुल गांधी जी पे बेट लगाते हो राहुल गांधी जी पे बेट लगाते हो और यदि राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट बन गए बाद में आपको ये नाइन्टी परसेंट वाला जितना भी पैसा है उनका डिवाइडेशन आपको पैसा मिलेगा नहीं आपको नाइनटी परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा आपके बेट पे ऐसा दोस्तों ये बेटिंग साइड चलती है आगे बढ़ते हैं यहाँ करके सर्च कीजिए देखिए आपको क्या लग, क्या लग रहा है अब दिखने में लगेगा कि ये एक वॉच कंपनी है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एम वी एम टी डॉट कॉम और ये दोस्तों कंपनी एक्चुअली में है ही नहीं ये है एक्चुअली में मार्केटिंग कंपनी ये दोस्तों सोकिंग बात आप जब वेबसाइट चेक करके स्क्रोल कर आपको लगेगा फैशन वाली ब्रांड है वॉच बेच रही है क्या ग्रेट वॉच है नहीं दोस्तों कुछ नया नहीं, नहीं है चाइना से सस्ते भाव पे बल्क में दोस्तों कंटेनर के लोड में यहाँ पे वो चीज लाई जाती है और एक मार्केटिंग की जाती है ग्रेट मार्केटिंग की जाती है और यहाँ पे मार्केटिंग से पैसा कमाया जा सकता है और ये कमाते हैं एम वी एम टी प्योर दोस्तों मार्केटिंग कंपनी है आदधर यू कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और इधर यू कैन बिल्ड अ मार्केटिंग कंपनी मार्केटिंग कंपनी क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके फाउंडर का ही बोलना है कि हमारी मार्केटिंग कंपनी है यदि हम वोच नहीं बेचते यदि हम मार्केटिंग में ग्रेट है Osionfish. हम यहाँ पे दस बेच देते हैं यदि हम मार्केटिंग में ग्रेट है हम कच्चे बेच देते यदि हम मार्केटिंग में ग्रेट है हम यहाँ पे अपीरियल वाली कुछ भी ब्रांड बेच देते हैं, हमारा फोकस है मार्केटिंग किसी भी कंपनी का फोकस होता है दोस्तों रोलेक्स का फोकस मार्केटिंग पे नहीं है रोलेक्स का फोकस है अपनी ब्रांड पे अपनी वोचेस की क्वालिटी पे सब कुछ पे एम जो है उनका फोकस यहाँ पे वॉच पे नहीं है घटिया वॉच की क्वालिटी हो वॉच कुछ भी हो उनका कंपनी का जो फंडामेंटल हो उनकी कंपनी का जो बेसिक क्या कहते हैं उनका कंपनी का जो बेसिक चलता है चलता है कि मार्केटिंग ग्रेड करनी है मार्केटिंग 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 की कैसे ज्यादा ज्यादा से सेल से से लेके आए कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग में यहां पे ग्रेड बना जाए किसी भी कंपनी का एक कोर फंडामेंटल होता है वही कोर फंडामेंटल पे काम करता है जैसे जीरो था है जीरो तक भी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा स्पेंड नहीं करेगा लेकिन जीरो था एक ट्रस्ट बिल्ड करता है तो जीरो था का कोई एक और था और, कोई एक फंडा होगा और और कंपनी का कोर ऑब्जेक्टिव होगा जीरो था का अब स्टोक का कोई और ऑब्जेक्टिव होगा कि अब स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अक्वायर करने है ज्यादा से ज्यादा यहां पे अफिलियट देना है जीरोधा का होगा कि हमें मार्केटिंग नहीं करनी हमें अफिलियट भी नहीं करना है लेकिन जो भी बंदा आएगा जीरोधा पे अकाउंट ओपन करेगा वह लगातार ट्रेड करना चाहिए वैसे ही दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केटिंग कंपनी होती है उनका कभी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि हमें हमारी प्रोडक्ट बेस्ट बनानी है या फिर हमें हमारी सर्विस बनानी है उनका कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें अपनी मार्केटिंग में बेस्ट बनना है अदरवाइज प्रोडक्ट तो चाइना तो से बल्क के तौर पर आते हैं चलिए मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर कर दिया ग्रेट दोस्तों लर्निंग अब आपके साथ शेयर होने जा रही है एरबीएनबी के ब्रांच इसकी की लर्निंग एरबीएनबी जब बना रहे थे ब्रांच बिल्ड कर रहे थे स्टार्टिंग के टाइम पे थे और कंपनी में अराउंड हंड्रेड एम्प्लॉज है आते हैं ब्रेंचिस की ऐसे ही और मीटिंग बुलाई जाती है ब्रेंचिस की बैठ जाते हैं चलिए आइए बैठिए सामने एम्प्लॉय बैठ जाते हैं एम्प्लॉय को बोलते हैं मुझे बताइए है कि यदि आप किसी होटल में जाते हो तो वन स्टार एक्सपीरियंस कैसा होता है एम्प्लॉय बोलते हैं कि वन स्टार एक्सपीरियंस में क्या होता है चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें डेप्थ में लेकर जाता हूँ फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं आपको डेप्थ में लेकर जाऊंगा इसमें ब्रेंच की यहाँ पे बैठते हैं हंड्रेड एम्प्लॉय होते हैं सामने क्योंकि एक हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप है हॉस्पिटैलिटी है जहाँ पे होटल टाइप का एक्सपीरियंस ही दिया जाता है एयरबीएन में तब ब्रेंच इसकी यहाँ पे देखिए एक ग्रेट फाउंडर का माइंडसेट क्या होता है ना ये आपको इस इंसिडेंट से इस एग्जाम्पल से पता चलेगा सबसे पहला क्वेश्चन ब्रेंच इसकी अपने एम्प्लोई को पूछते हैं मान के चलिए आप किसी होटल में जा रहे हो और स्टे करने के लिए जा रहे हो गेस्ट हाउस में जा रहे हो आप मुझे बताइए कि वन स्टार एक्सपीरियंस यदि आपको किसी भी स्टे में किसी भी होटल स्टे में यदि किसी को वन स्टार रेटिंग देनी होगी फिर आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा कि आप वन स्टार रेटिंग दोगे एक एम्प्लॉय बोलता है कि हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टॉयलेट क्लीन नहीं होगे और बहुत बुरी सर्विस होगी अब हम वन स्टार रेटिंग दे देंगे सब कुछ घटिया होगा वन स्टार रेटिंग ठीक है ब्रेंच इसकी का क्वेश्चन यदि आपको थ्री स्टार रेटिंग देखनी होगी तो कैसी होगी थ्री स्टार रेटिंग में बोला कि टॉयलेट क्लीन हो गए रूम अच्छे हो गए क्लीनलीनेस होगी और स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा होगा लेकिन यहाँ पे चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम यानी कि होटल में एंट्री टाइम रूम मिलने का टाइम और आउट के टाइम पे दिक्कत होगी तो मैं थ्री स्टार दे दूंगा ब्रेन चीज़ की कहते हैं कोई बात नहीं चलिए फाइव स्टार रेटिंग कैसी होगी आपको किसी होटल में स्टे करना तो फाइव स्टार तब एम्प्लॉय कहते हैं कि यदि फाइव स्टार मुझे देनी होगी फिर हम यहाँ पे देखेंगे और होटल ग्रेट होगी सब कुछ क्लीन होगा रूम क्लीन होगा सर्विस भी ग्रेट होगी और यहाँ पे लॉन्ड्री एक्स्ट्रा होगी और यहाँ पे वेलकमिंग होगा और चेकिंग चेकआउट टाइम भी ग्रेट होगा चलिए फाइव स्टार रेटिंग ब्रेंच इसकी अब पूछते हैं यदि आपको किसी को सेवन स्टार रेटिंग देनी होगी तो कैसी होगी क्योंकि सेवन स्टार रेटिंग दोस्तों आती ही नहीं है फिर भी ब्रेंच इसकी एरबीएनपी के फाउंडर जब हंड्रेड एम्प्लो ऐसे पूछता है कि यदि आपको सेवन स्टार रेटिंग दे देनी होगी तो आप कैसी देगी रेटिंग तब एम्प्लॉय बोलते हैं कि सेवन स्टार रेटिंग यदि मुझे को किसी को देनी होगी तो ऐसा होगा कि होटल में रूम तो क्लीन होगा लेकिन होटल में रूम क्लीन होने के साथ यहाँ पे एक अच्छा एन्वायरमेंट होगा एक अच्छी स्मेल होगी एक अच्छा यहाँ पे आ, एंट्री होगी हमारी अच्छी तरह से एंट्री होगी और उनके कल्चर का थोड़ा बहुत हमें एक्सपोज़र मिलेगा जैसे कि यदि हम जा रहे हैं मेक्सिको के किसी होटल के रूम में तो वहाँ पर होटल के रूम में हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा और यहाँ पे एक ग्रीटिंग कार्ड होगा और यहाँ पे चेकिंग चेकआउट टाइम अच्छा होगा गेस्ट बिहेवियर अच्छा होगा और हमें यहाँ पे एक आ, साथ में खाने पीने के लिए भी जब हम चेकआउट कर रहे हो तब तो हमें खाने पीने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ भी दिया जाएगा एज एक्स्ट्रा सर्विस कह सकते हैं कि आ, ज्यादा पैसा कम पैसा लेना और ज्यादा सर्विस देना ब्रांचेस की पूछते हैं कोई बात नहीं चलिए सेवन स्टार पे ये रेटिंग नाइन स्टार पे बताइए क्या होगा नाइन स्टार पे नाइन स्टार देना होगा तो कैसा होगा अब एम्प्लॉय को सोचना पड़ा अब एम्प्लॉय को दिमाग लगाना पड़ा कि यदि मेरे को 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 किसी पर्सन नाइन स्टार रेटिंग देनी होगी कितना ग्रेट होटल स्टे का एक्सपीरियंस होगा तब मुझे किसी को नाइन स्टार रेटिंग देनी ही पड़ेगी मैं मजबूर हो जाऊंगा नाइन स्टार रेटिंग देने के लिए ऐसे कर करके दोस्तों ब्रेन इसकी अपने एम्प्लॉय के सामने 15 स्टार तक लेके जाते हैं कि नहीं आपको किसी को 15 स्टार देने तब कैसी होटल की सर्विस होगी कब आप तब आपका रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा स्टे का एक्सपीरियंस कैसा होगा ऐसे दोस्तों जब 15 स्टार तक पहुंचते हैं जितने भी पॉइंट निकल के आते हैं फिफ्टीन स्टार में तो दोस्तों कुछ ऐसा हो गया कि एक होटल का रूम होगा और होटल का गेस्ट रूम होगा वहाँ पे उनके ही ट्रेडिशनल कल्चर के लोगों के साथ आप कुकिंग करोगे उनके ही ट्रेडिशनल कल्चर के लोगों के साथ आप यहाँ पे मीटअप करोगे हैंगआउट करोगे उनके साथ बातचीत करोगे उनके ही ट्रेडिशनल कल्चर के लोग आपका यहाँ पे स्वागत करेंगे गेस्ट का यहाँ पे एक कल्चर के लोगों के द्वारा ही स्वागत किया जाएगा अतिथि ये सब कुछ दोस्तों नोट करने के बाद ब्रेंचिस की अपने एरबीएन स्टार्टअप में जब उनका होटल एक्सपीरियंस वाली चीज होती है अप्लाई करते हैं फिफ्टीन स्टार वाली जितनी भी चीजें निकल के आई वह सारा एक्सपीरियंस वे एयर में देते हैं तब एयर बी दोस्तों इतना यहाँ पे सक्सेसफुल होता है कहना क्या चाहता हूँ इस इंसिडेंट से आपको क्या यहाँ पे नॉलेज मिला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्लस यहाँ पे आउट ऑफ द लिमिटेशन लिमिटेशन क्या है फाइव स्टार रेटिंग दोस्तों लिमिटेशन है एक्चुअली में सही वर्ल्ड में हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में

आपको आज तक हिस्ट्री में जितने भी न्यूज पेपर लॉन्च हुए आपको मान के चलिए 1999 के न्यूयॉर्क टाइम के न्यूज पेपर से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि 1990 के न्यूयॉर्क टाइम में पहले पेज पे क्या लिखा था बस आपको लिखना है कि 1999 न्यूयॉर्क टाइम और आपको कुछ भी टॉपिक डालना है जैसे कि 1999 में कौन प्रेसिडेंट था प्रेसिडेंट का क्या यहाँ पे लिख के आया था न्यूयॉर्क न्यूज डॉट कॉम दोस्तों ये ग्रेट अलगोरिदम वाला बिजनेस है ग्रेट यहाँ पे इसके पीछे इंजीनियरिंग होती है कोडिंग होती है तो भी ये बिजनेस पॉसिबल बन पाता है न्यूज आप चेक कीजिएगा ट्रायल फ्री है और बाद में टेन डॉलर पर मंथ का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन प्राइस है हंड्रेड मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जाता है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं जितने भी रिसर्चर होते हैं सब ऐसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं एक ग्रेट रिसर्च निकालने के लिए कि पास्ट में ये था और आज ये है आप इस वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हो आगे यहाँ पर एक यूट्यूब रिलेटेड में बात कर दूंगा लास्ट टॉपिक रहेगा आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे गए स्लोमो वीडियो जैसे कि एक बलून पे कोई ऐसे मार रहा है और एक स्लोमो वीडियो आपने भी देखा होगा वाटर ड्रॉप हो रहा है स्लोमो वीडियो देखिए नथिंग यहाँ पे कोई इतनी एफक्ट एफर्ट नहीं होती है ऐसे वीडियोस बनाने में आपने वीडियो बना दिए बाद में आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी भी वीडियो को स्लो कर सकते हो ऐसी चैनल दोस्तों जो स्लोमो फोकस्ड चैनल होती है इस चैनल पर ना ही तो लोई लैंग्वेज होती है ना ही तो कोई इतना साउंड होता है मीन्स ये चैनल यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट करते हैं आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे स्लोमो चैनल आपको बहुत सारी चैनल मिलेंगी जो कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लेके बैठी है और ये चैनल दोस्तों आसानी से इजीली वन मिलियन डॉलर का पर ईयर एडिशंस रेवेन्यू जनरेट कर लेती है पर ईयर दोस्तों आठ से दस करोड़ ऐसी स्लोमो चैनल बना लेती है पता तो है नहीं कहाँ से देखिए आपने स्लोमो चैनल बनाई इंडिया में बनाई इंडिया में बैठ के बनाई अब इंडिया का एडसेंस दोस्तों बहुत वीक है थाउजेंड व्यूज पे कितने है वन डॉलर मैक्सिमम मिलेगा नहीं मिलेगा आपको लेकिन यूएसए में वन थाउजेंड व्यूज़ पे फाइव डॉलर मिलेंगे अब ऐसी चैनल पे कोई वॉइस बैरियर तो है नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग देखते हैं इसलिए दोस्तों ऐसी स्लोमो चैनल लोग देखना भी पसंद करते हैं स्लोमो चैनल पर ऑल ओवर वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री के भी एड लगते हैं और 1000 थाउजेंड यूज पे कभी कभी 10 डॉलर 12 डॉलर का भी दोस्तों जो भी सी चलता है आर जो भी चलता है यूट्यूब का कि ऑस्ट्रेलिया में अभी 1000 थाउजेंड यूज पे फिफ्टीन डॉलर चल रहा है यूके के यदि कोई पर्सन आपके वीडियोस देख रहे हैं तो 1000 थाउजेंड यूज पे ट्वेंटी डॉलर तक बन जाता है ए चैनल दोस्तों नो मोर एफर्ट विदाउट वॉइस टारगेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑडियंस

लाइक कमेंट सर सब्सक्राइब नए व्यूअर्स यहाँ तक और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा नोटिफिकेशन दोस्तों चेक करते रहेगा यदि ऑन नहीं है ऑन कीजिएगा अदरवाइज आपके पास ऐसे पॉडकास्ट नहीं आएंगे धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजिद्रा